जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के सात बेटे और उनकी एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी खुद को उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है और इसलिए कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत पूरे सच्चे मन से और पाकशाक होकर करना चाहिए, जिससे सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र पा सकती हैं और सदा सुहागन रह सकती हैं। जय माता दी।
देवी मैया सुहाग मेरा रखना।